गन शॉट्स यहाँ पे जो है वो सुने गए, उसमें एक आर्मी जवान अभी इंजर्ड है। और इस पूरे इंसिडेंट की अपील चल रही है, एज एंड व्हेन समथिंग कम्स आउट कंक्रीट वी विल शेयर। सबसे सारे ऑन स्पॉट आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द मीडिया फ्रेंड्स टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, स्टे अवे फ्रॉम दिस एरिया फॉर अ व्हाइल। जो कुछ भी होगा दिस विल बी शेयर्ड विद यू थ्रू द मीडियम ऑफ प्रॉपर प्रेस। कितने बजे का इंसिडेंट है? इट इज मॉर्निंग अराउंड 10 o'clock। थैंक यू सर। यहाँ के आम लोग और भारतीय सेना के जो जवान है वो अलर्ट हो जाते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस को ये मैसेज देते हैं कि इस इलाके में फायरिंग हुई है, वो भी कैंप के पास फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि सुंजवा कैंप में साल 2017 में भी आतंकी बड़ा हमला हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। और आपको बता दें कि आज सुबह सुंजवा बेस कैंप, जो सुंजवा आर्मी कैंप है, उसके गेट पर फायरिंग होती है। आम लोगों का भी जहां पर जो माहौल है वो एक पैनिक हो जाता है। और आर्मी कैंप के अंदर जो है वो आर्मी स्कूल है जिसके काफी ज्यादा जम्मू के बच्चे पढ़ते हैं। आपको बता दें यहाँ का माहौल जो वो बेशक खराब हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था उसके बाद माहौल जो है वो पैनिक हो गया बहुत ज्यादा। और स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप जो है वो भी परेशान हुए, एक दूसरे को फोन करने लगे। आर्मी कैंप में जो है वो माहौल जो है वो इस समय बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की टीम जो है वो आर्मी कैंप के अंदर पहुंची है, चारों तरफ से इस एरिया को घेरा हुआ है, जितना भी एरिया है कॉर्डन किया है। हालांकि आर्मी बेस कैंप के अंदर या बाहर गेट पे फायरिंग इंसिडेंट का होना बेहद ये संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर जो है फायरिंग होती है। आपको बताते हैं कि इस स्कूल सुंजवा जो आर्मी स्कूल है उसके अंदर कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने जब फायरिंग की आवाज सुनी, उन्हें जब मैसेज मिला कि सुंजवा बेस कैंप में जो है वो एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, तो स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे, डरे सहमे पेरेंट्स जो है उनके बच्चे अभी भी स्कूल में है। सबसे पहले जानेंगे आपका नाम। रितु, आपके बच्चे उन स्कूल में पढ़ते हैं और आपने जब ये इंसिडेंट सुना तो क्या क्या खबर आई, कैसे मैसेज आया कि वहाँ पर सुंजवा कैंप में फायरिंग हुई? नहीं, एक्चुअली मैं इसी एरिया में थी और जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने यहाँ पे गनशॉट सुने हैं। तो हम जस्ट आर्मी स्कूल के बाहर ही आ गए उस टाइम पे। यहाँ पे बहुत सारी पुलिस थी, आर्मी थी, एसओजी थी, तो यहाँ पे तब लोग उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो बच्चे स्कूल में, हमने कॉल कराया स्कूल में, स्कूल अथॉरिटीज ने हमें श्योर किया है कि सब कुछ ठीक है, अंदर बच्चे बिल्कुल सेफ है, पूरा एरिया अंदर से भी कॉर्डन किया हुआ है, सिक्योरिटी कवर अप में है। बच्चे इसी सुंजवा कैंप के अंदर पढ़ते हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपकी टीचर से बात हुई? बच्चे ठीक? मेरी बात हुई, बच्चे बिल्कुल ठीक है। आपको ये बता, अंदर सर्च ऑपरेशन भी जारी है? हाँ, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चलिए, तो एसओजी की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए, कैंप के अंदर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बच्चों के पेरेंट्स जो है वो इस समय डरे सहमे जरूर है, लेकिन उन्हें सांत्वना दी गई है, कॉन्फिडेंस एक दिया गया है पेरेंट्स की तरफ से कि उनके बच्चे सेफ है, डरने की जरूरत नहीं। कुछ और लोकल हमारे साथ मौजूद है, सर आपसे बात करेंगे, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या सुना आपने? जी जय हिंद, मेरा नाम राकेश चौधरी, मैं डिफेंस कॉलोनी या सैनिक कॉलोनी एडजॉइनिंग यही रहता हूँ। तो सुंजवा जो मिलिट्री बेस है, बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, इसके ऊपर पहले भी तीन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो चुके हैं, बट एवरी टाइम दे गॉट किल्ड, क्योंकि वो एंगेज होते थे, मारे जाते थे। अब मिलिटेंट्स ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है, वो एंगेज नहीं होते, वो फायर करके और भाग जाते हैं, फायर करके भाग जाते हैं। लेकिन हमारी आर्मी कॉम्पिटेंट है, एरिया आर्मी कॉम्पिटेंट है, स्कूल के बच्चे 100% सेफ है, 100%। तो जैसे यहाँ ट्रैफिक कम करने के लिए उन्होंने ये गेट पे बैरियर लगाए हैं, ट्रैफिक कम की है ताकि आवाजाही जितनी भी है इतनी फोर्सेस की वो एकदम इमीडिएटली हो सके, उनको इमीडिएटली दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, अगर आतंकियों की धरपकड़ करनी पड़ेगी। लेकिन हमें चौधरी साहब, आपको याद होगा 2017 में भी इसी सुंजवा बेस कैंप में अटैक हुआ था और हमारे जवान शहीद। जी 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 जी, मैंने कहा ये बहुत बड़ा अपना मिलिट्री बेस है और दुश्मन की आंख में रड़कता रहता है, ये आज का नहीं है, वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमारी फोर्सेस कॉम्पिटेंट हैं,
और लोग सपोर्ट में हैं, ऐसा नहीं है कि लोग पैनिक है या भाग रहे हैं। आप देखिए अभी भी तो फायरिंग हुई आपका? जी हम सैनिक कॉलोनी में, जी हम आवाज आई आपके घर तक? फायरिंग की आवाज सुनी आप मौके पर? हाँ मामूली एक दो शॉट्स, नॉट मच। तो उसके बाद से फिर यहाँ पर हलचल गहमा गहमी तेज होगी, फोन आने लग पड़े आसपास के एरिया से, बिकॉज वी आर वेरी नियर बाई दिस ना, सो सैनिक कॉलोनी में तो पॉश एरिया है, तो साथ में बेसिकली हम लोग सैनिक कॉलोनी के लोग नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बाहर निकलते हैं, किसी तरीके की सपोर्ट हो सके तो वो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि ये लोकल थे जिनकी, जिनसे हमने बात की और जिनसे ये जानने की कोशिश की कि जब फायरिंग हुई थी आखिर वो कहां पर थे। आपको बता दें कि सैनिक कॉलोनी सुनजवा एडजॉइनिंग एरिया है, जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनी वो मौके स्थल पर पहुंचे और इस समय भी हम सुनजवा उस बेस कैंप के बाहर हैं जहां पर संतरी को गोली लगती है और वो संतरी जो है वो क्रिटिकल जो उसकी हालत है वो बताई जा रही है, वो इंजर्ड हो चुका है, उसकी हालत गंभीर है, इलाज चल रहा है, लेकिन बार बार ये मैसेज आ रहा है कि उस जो जवान को जो गोली लगी है उसकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। और जम्मू कश्मीर के एडीजी और जितनी भी जम्मू कश्मीर की एसओजी की टीम है वो इस समय इस मौके स्थल पर पहुंची हुई है और कैंप के अंदर भी वो सर्च कर रही है कि आतंकी अगर यहां पर आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है, तो क्या वो अंदर चले गए हैं या फिर यहां से भाग गए, क्योंकि मौके स्थल पर इस समय की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और एसओजी की टीम और एडीजी जम्मू उनके साथ स्पेशल जितनी भी पुलिस की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है और स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार वो फायरिंग कहां से हुई, क्या आतंकी यहां पर आकर गेट पर संतरी को पर गोली चलाकर क्या वो इस इलाके से भाग गए हैं, क्योंकि ये इलाका आपको बता दें संवेदनशील इलाका है। 2017 में भी इसी इतने बड़े सुनजवा आर्मी कैंप पे अटैक हुआ था जिसमें हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए थे, उसके बाद इस एरिया को ज्यादा तादाद में और कॉर्डन किया गया था। आपको बता दें कुछ अधिकारी पुलिस के यहां पर मौके स्थल पर पहुंच रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, क्या वो बात करते हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। चल आप आओ यहां पर, हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ ऑफिसर जो यहां पर मौजूद है क्या बात होगी उनसे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस समय इलाका जो है बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इलाका है, कोशिश करेंगे बात करने की, कोशिश करेंगे बात करने की, क्या वो हमसे बात करते हैं, किस तरीके का इलाका है, कोशिश करेंगे बात करने की, कोशिश करेंगे बात करने की, क्या कुछ बोलेंगे, क्या इंसिडेंट हुआ सर, क्या इंसिडेंट हुआ, क्या कुछ बोलेंगे सर, कुछ बोलेंगे, क्या इंसिडेंट हुआ सर, सर कुछ बोल पाएंगे। तो आपको बता दें पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद है फिलहाल मौके स्थल से चले गए हैं, बैठक चल रही थी काफी देर तक, कोशिश जारी थी कि क्या हुआ है आखिर यहाँ पर, तो पुलिस के अधिकारियों की जो गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी वो यहाँ पर अब यहाँ से अब चली गई हैं। आपको बता दें कब बड़ा इंसिडेंट हुआ है आज, एक तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है और हर तरफ कैंपेन जो है वो नेता कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर फायरिंग इंसिडेंट का होना ये एक बेहद जो खबर है वो बेहद दुखद खबर है, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनावी माहौल बना है, चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, हर कोई नेता जो है वो घरों घरों में जा रहे कैंपेन कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सुनजवा बेस कैंप जो कि जम्मू के पॉश एरिया में है वहां पर फायरिंग होती है और एक जवान क्रिटिकल इंजर्ड हो जाता है।